आज हम मेरा अष्टक का चौथा भजन चर्चा करेंगे। मेरा अष्टक भजन चार, इसका नाम है द एसेंशियल पर्पस नेग्लेक्टेड। तो सॉन्ग शेयर कर रहे हैं सर। चतुर्थ अष्टक, रिद्धि सिद्धि जहाँ की छोता वक्य सार, ब्रज वासिर प्राण अच्छे से है तो प्रचार। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि मतलब भौतिक सफलता और सिद्धि आध्यात्मिक सफलता। तो इस तरह जो भौतिक सफलता है, आध्यात्मिक सफलता, जो कुछ है सब वाक्य सार। आपके वाक्यों का अगर हम पालन करेंगे, तो इस तरह रियलाइज कर रहे हैं कि सब कुछ मिल जाएगा अगर आपके उपदेश का पालन करने से। उसमें सब कुछ है, सब सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, सारी इच्छाएं जो कुछ है मन की सब उसमें पूरी हो जाएगी। किसमें? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी आए, आर ना करी हम मने आश। तो ये गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे और चित्ते ते करी आए कर हृदय में उसको एक मानेंगे तब वो वाक्य साथ। तो और दूसरा कुछ आशा अगर नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लाइन बता रहे हैं कि दे प्रसादे पूरे सर्व आशा, वो पालन करने से जितने उस गुरुदेव की कृपा से हरी इच्छाएं पूर्ण भी हो गई। रिद्धि सिद्धि जहाँ किछु तब वो वाक्य साथ, ब्रज वासिर प्राण आछे से हेतु प्रचार। ब्रजवासी ब्रजवासी है, फॉलोअर्स है, प्राण आछे से हेतु प्रचार। उनका जो प्राण है किसका है? इसके प्रचार में, आपके प्रचार में। तो ठाकुर बताते हैं कि प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार, जब तक दोज हु हैव लाइफ दे कैन प्रीच। प्राण है, जीवन है, को प्रचार कर सकते हैं। प्राण अच्छे जात से हेतु प्रचार। व्यवसायत्मिका बुद्धि चक्रवर्ती विचार, माया मोह पाशे आज हो लो चार चार। व्यवसायत्मिका बुद्धि चक्रवर्ती विचार। श्रीमद चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद भगवद गीता का एक श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है गुरु नंदना बहुशाखाई अनंतास्त बुद्धि अव्यवसाय। इस श्लोक की व्याख्या के बारे में बताया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ है रिजोल्यूट इंटेलिजेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ बुद्धि, रिजोल्यूट इंटेलिजेंस। और श्लोक जो कृष्ण चक्रवर्ती का अर्थ बताया कि वो रिजोल्यूट इंटेलिजेंस क्या है? गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही व्यवसायत्मिका बुद्धि, पूरी बुद्धि से गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। प्रभुपाद ने जब ये श्लोक के ऊपर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जब टीका पढ़ी तो बहुत प्रेरणा मिली अपने गुरुदेव के उपदेश का पालन करने के लिए। तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है। लेकिन माया मोह पाशे आज हलो चार चार, तो श्री प्रभुपाद फिर बता रहे कि आज वर्तमान में माया मोह पाशे, माया या मोह के बंधन में आके सब वो व्यवसायत्मिका बुद्धि छार छार हो गई, टूट टूट गई है। चार कार अलो चार कार। हाँ, तो वो व्यवसायत्मिका बुद्धि नष्ट हो गई। अरे नहीं, व्यवसायत्मिका बुद्धि थी ये करना है, लेकिन बाद में वो व्यवसायत्मिका बुद्धि भ्रष्ट हो गई मोह माया के चक्कर में आके। बहुशाखा विस्तारी लो अव्यवसायी हते, प्रतिष्ठा भागिनी आसी योग दिलताते। तो एक हेतु है व्यवसायत्मिका बुद्धि की, गुरुदेव के उपदेश का पालन करना। लेकिन दूसरी बुद्धि है उसकी विपरीत है, बहुशाखा विस्तार। बुद्धि बहुत सारी अलग अलग शाखाओं में हो जाएगा, मुझे ये भी करना है, इनके उपदेश का भी पालन करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत कुछ करना है।
तो जो करना है वो पीछे हट जाएगा। जो वास्तविक जो करना है कृष्ण भावनामृत भक्ति करने की जो बुद्धि के जो उद्देश्य है उस वो छोड़ के बाकी सब व्यक्ति करना पड़ेगा करेगा। बहु शाखा विस्तारित। और इसमें क्या होगा, प्रतिष्ठा भागिनी आशी योग दिलताते। और इस तरह प्रतिष्ठा का अटैक हो जाएगा। प्रतिष्ठा बाघिनी, प्रतिष्ठा का तुलना लिया बाघिनी के साथ, बहुत खतरनाक है बाघिनी, बाघ से जो खतरनाक बाघिनी। प्रतिष्ठा बाघिनी आसी योग दिलता, तो जो बाघिनी प्रतिष्ठा आके और सारा योग दिलता थे। तो यहाँ पे जिस तरह व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब एक कार्य करना है, जड़ में पानी डालना, लेकिन बहु शाखा विस्तार मतलब बहुत, फिर जड़ में पानी डाल नहीं रहे, हर जगह पानी डाल रहे, इसमें भी डाल रहे उसमें भी डाल रहे, तो जड़ में पानी नहीं डाल रहा। तो प्रतिष्ठा इसी तरह है, प्रतिष्ठा लाभ पूजा प्रतिष्ठा, इस तरह ये जब बढ़ जाता है तो भक्ति लता का बढ़ना रुक जाता है। तो भक्ति लता का बढ़ाना व्यवसायत्मिका बुद्धि था, लेकिन अभी व्यवसायत्मिका बुद्धि रुक गया बहु शाखा होने के कारण, प्रतिष्ठा को पाने मिल रहा है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा इनके ये बहु शाखा में बुद्धि विकसित हो गई है, और भक्ति लता का बढ़ना रुक जाता है। इसी तरह जब गुरुदेव उस समय वर्तमान स्थिति कि जब गुरुदेव की कृपा या उनके उपदेश एक शिष्य भूल जाते हैं तो उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो पाती है, फिर वो प्रतिष्ठा ये बहु शाखा में उसकी बुद्धि विस्तारित होती है, प्रतिष्ठा के पीछे होती है। तुम्हार मरम कथा ना पशी लो काने, योग्यता को थाए पावो नाम संकीर्तने। तो तुम्हार कथा मरम कथा ना पशु, तो और इस तरह अभी बुद्धि अव्यवसायत्मिका हो गई है, बहु शाखा विस्तार हो गए है, प्रतिष्ठा के पीछे लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे बुद्धि पड़ी हुई है। तो ये बुद्धि अब उसके उससे ज्यादा प्रतिष्ठा से प्रभावित है, बुद्धि जब लाभ पूजा प्रतिष्ठा से प्रभावित है तो तुम्हार मरम कथा जो आपके गुह्य उपदेश है जो इंस्ट्रक्शन है ना पशिलो कर, वो फिर कान में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुद्धि अभी बहु शाखा विस्तार में है और उसमें फंसी हुई है। तो व्यवसाय का बुद्धि न होकर आपके जो महत्वपूर्ण उपदेश है वो कान में नहीं जाएंगे, और ऐसी स्थिति में योग्यता को थाए पावो नाम संकीर्तन। और फिर इस योग्यता नाम संकीर्तन करने के लिए योग्यता कहाँ आएगी, नाम संकीर्तन करने जाएंगे तब भी बुद्धि उसमें लाया जाएगी नहीं, बाकी सब के बारे में चिंतन करेगी। तो योग्यता को थाए पावो, कहाँ मुझे योग्यता मिलेगी सही रूप से नाम कीर्तन से, तो भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए वो सही है। नाम गान सही है श्री गुरुर वाणी, बोली जाओ एक कथा सत्य नहीं मानी। तो नाम गान सही है श्री गुरु, गुरुदेव का जो उपदेश है वास्तविक उपदेश वो क्या है, नाम गान, भगवान के नाम का जप करना, 16 माला जप करना अच्छे से और एकाग्र चित्त होकर, नाम गान ये गुरुदेव का उपदेश। और 16 से कम 16 माला का, जितना ज्यादा हो सके उतना मान लेंगे, भगवान के नाम का गान करना है, कीर्तन करना है, ये गुरुदेव के उपदेश। बोली जाओ एक कथा सत्य नहीं मानी, तो ये गुरुदेव की वाणी है, इसको गलती से भी निग्लेक्ट नहीं करना है, गलती से भी हम इसको इसे नहीं निग्लेक्ट नहीं करना है। बोली जाओ एक कथा सत्य नहीं, इस तरह हमारे गले में एक फूलों की माला है, तो फूलों की माला है हमें पता है कि हम गलती से भी मानेंगे कि ये सोने का हार है, कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये फूलों की माला है। तरह गुरुदेव का वास्तविक उपदेश है नाम गान, भगवान के नाम का जप करना, इसको गलती से भी नहीं भूलना है। तव मुख्य कीर्ति पर धर्म विस्तार, महामंत्र माने जय तार अधिकार। तव मुख्य कीर्ति परम धर्म विस्तार, तो आपकी जो मुख्य कीर्ति है पर धर्म विस्तार,
पर धर्म है, वास्तव में परम धर्म, ट्रांसेंडेंटल रिलीजन, कृष्ण भावनामृत का प्रचार का विस्तार। तो ये इसका कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, ये वास्तव में आपकी तव मुख्य कीर्ति, यही आपकी वास्तविक प्रतिष्ठा है। ये आपकी वास्तविक प्रतिष्ठा है कि आपने परम धर्म का प्रचार किया, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। और महामंत्र माने जय तार अधिकार, महामंत्र को जिसने माना सब उसका महामंत्र को मानकर जप करने का अधिकार है सबको। महामंत्र को केवल एक्सेप्ट करना है, वही परम धर्म है और सबका सब इसको अधिकार को प्राप्त करने के लिए योग्य है। तब तो मुख्य कीर्ति परम धर्म विस्तार, तो परम धर्म कृष्ण महामृत है और इसका विस्तार प्रचार करना है आपकी वास्तविक कीर्ति है। अधिकारे लाभे यदि सभी शिष्य करे, तबे तदुखित जीव संसार ने सब। इस तरह जो कृष्ण महाव्रत का प्रचार करना, महामंत्र का अधिकार सबको है, उस अधिकार से उस योग्यता से यदि सभी शिष्य करे, जब सब शिष्य उस अधिकार का उपयोग करेंगे, कृष्ण महाव्रत का प्रचार करेंगे, तबे तदुखित जीव संसार निस्तारे, तब जो इस संसार में जितने भी जीव है जो दुखमय है, दुख की स्थिति में है, उनका उद्धार होगा। होता है कि यदि सारे शिष्य इस अधिकार का उपयोग करेंगे, सब कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, शिष्य बनाएंगे कृष्ण भावनामृत और महामंत्र करेंगे, तो इस दुनिया में जितने भी दुख जीव है जो दुखी है, सबका उद्धार हो जाएगा। जीवे हृदय हृदय दुखी श्रील प्रभुपाद, विरहवा सरे अवहेले तू। ये जीवे हृदय हृदय दुखी श्रील भक्तिवेदांत सिद्धि ठाकुर जो जीवों के दुख को देख के बहुत दुखी थे। तो कौन सा दुख? ये जीव संसार में दुख से उसका उद्धार हो जाएगा किसके माध्यम से? तो कौन से दुख से उसको भक्तिवेदांत सिद्धि ठाकुर दुखे थे? ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, लंगड़ा है, ये उसका दुख है, लेकिन इस दुख को देखते हुए ये दुख है, लेकिन वास्तविक दुख क्या है कि वो कृष्ण विमुख है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो ये दुख के कारण ही उसको इतना कष्ट हो रहा है। उस दुख को से श्री भक्ति दुखी थे, विरह वासरे तव हेरी अवसर। तो श्री प्रभुपाद अपने हृदय में बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं, डिप्रेशन अपने गुरुदेव से विरह महसूस करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।